करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को किया गया है गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर। पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर के काम को अपने बताए गए समय से पहले खत्म कर दिया है और दुनिया भर के सिखों को अपना पीसफुल जलसा दिखा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के इस पीसफुल जलसा से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरेंगे या फिर पाकिस्तान का इसमें कुछ हिडन एजेंडा छुपा हुआ है, क्योंकि इतनी उत्सुकता और प्यार पाकिस्तान ने कभी भी सिखों के प्रति नहीं दिखाई है। इसी कारण की वजह से पाकिस्तान में सिखों की आबादी बहुत तेजी से गिर भी रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर के पीछे पाकिस्तान का कौन सा हिडन एजेंडा है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए विद प्रूफ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। मेन बात बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। करतारपुर साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था और यहाँ पर उनका निधन भी हुआ था। बाद में उनकी याद में गुरुद्वारा बनाया गया। इतिहास के अनुसार 1522 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक करतारपुर आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 17 से 18 साल यहीं गुजारे थे। 22 सितंबर 1539 को इसी गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी ने आखिरी सांसें ली थी, इसीलिए इस गुरुद्वारे की काफी मान्यता है। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नरवाल जिले में स्थित है। ये भारत के पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और करीब लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है। भारत में पंजाब के डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है और वही पाकिस्तान ने अपनी सीमा से नरवाल जिले में गुरुद्वारे तक कॉरिडोर बनाया है। इसी को करतारपुर साहिब कॉरिडोर कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या समझौते हुए? कोई भी भारतीय किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाला हो उसे इस यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। यात्रियों के लिए पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन ETA की जरूरत होगी। ये कॉरिडोर पूरे साल खुला रहेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की लिस्ट 10 दिन पहले पाकिस्तान को देगा। हर श्रद्धालु को $20 यानी 1400 इंडियन रुपए देने होंगे इस यात्रा को करने के लिए। एक दिन में 5000 लोग इस कॉरिडोर के जरिए दर्शन के लिए जा सकेंगे। अभी अस्थायी पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले वक्त में एक स्थायी पुल बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेल और मैसेज के जरिए 4 दिन पहले उनके रजिस्ट्रेशन के कंफर्मेशन की जानकारी दे दी जाएगी। अब आते हैं कि पाकिस्तान का इसमें क्या है हिडन एजेंडा। पाकिस्तान का एजेंडा बताने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो सब लॉजिकल और रियल फैक्ट से रिलेटेड होगा जो पास में हुआ है, तो प्लीज पहले पूरा वीडियो देखिएगा। बात है 1971 की, जब भारत ने बांग्लादेश बनाया तो ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। उसके बाद से पाकिस्तान भारत के एक हिस्से को अलग करने में लग गया और वो हिस्सा है पंजाब। पाकिस्तान 1971 से हमेशा से चाहता है कि पंजाब को भारत से अलग करके एक नया देश बनाए जिसका नाम है खालिस्तान। वैसे मैं आपको बता दूं कि खालिस्तान एक इमेजिनरी देश है जिसका ना कोई मैप है ना कोई एरिया डिसाइडेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये झूठ है, मैं बकवास कर रहा हूँ, तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ। 1971 में पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट को जगाने के लिए जगजीत सिंह चौहान की मदद ली। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान बुलाया और खालिस्तान मूवमेंट का प्लान बनाया और फिर उसे UK, US, कनाडा में रह रहे सिख कम्युनिटी के लोगों को उकसाने के लिए भेजा कि वो खालिस्तान की डिमांड करे। सेम जिस तरीके से इस समय पाकिस्तान गवर्नमेंट कश्मीर इश्यू को लेके US, UK, कनाडा में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश होता है कि पंजाब भारत से अलग होके अब एक कंट्री बनने जा रहा है और उसका नाम है खालिस्तान। फिर धीरे धीरे खालिस्तान की मूवमेंट बढ़ने लगती है जिसके चलते पंजाब में टेररिज्म बढ़ने लगता है और जिसके चलते वहां पे बहुत से मासूम लोगों की मौत होती है 70s और 80s में। इस मूवमेंट को रोकने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है और खालिस्तानी टेररिस्ट और उनके उस समय के लीडर भिंडरावाला को मार दिया जाता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि भिंडरावाले को इतने हथियार कहां से मिल रहे थे? अब आप लोग बोलेंगे कि हर चीज के लिए पाकिस्तान पे उंगली उठाते हैं, तो एक बात बताओ कश्मीर में लोगों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं? भिंडरावाला भी चलाक था, उसने सोचा कि मैं रिलीजन गेम खेलता हूँ और जाके गोल्डन टेम्पल पे छुप गया, जिसके कारण ना जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने सैनिकों ने अपनी जान गंवाई उन लोगों को बचाने के लिए। पर फिर भिंडरावाला की ठुकाई हुई और मामला खत्म हुआ। पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भिंडरावाला मरते मरते रिलीजन गेम खेल गया और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन। फिर उसके बाद होता है एंटी सिख रॉयट्स। तो जरा सोचो पाकिस्तान के एक आग लगाने से कितना नुकसान हुआ था उस समय भारत को।
और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले टाइम में फिर से पाकिस्तान रिलीजन गेम खेलेगा और फिर से नुकसान पंजाब और सिखों को होगा। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे बुरा भला बोलेंगे, पर ये गट फीलिंग सिर्फ मेरी नहीं है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी की भी है। उन्होंने कहा है कि इसमें पाकिस्तान की कोई कॉन्स्पिरेंसी नजर आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतनी जल्दी करतारपुर कॉरिडोर को ओपन कर दिया, पासपोर्ट और वीजा हटा दिया, इसे साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान का यहाँ पे कुछ अलग ही एजेंडा है। तो हमें यहाँ पे बहुत केयरफुल होना होगा, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे फिर से पंजाब को डिस्टेबलाइज करना चाहेगा। इस तरह से वीडियो में नवजोत सिंह सिद्धू और भिंडरांवाले की है, पाकिस्तान का जो वीडियो है आपने देखी थी, बड़ा पीछे है। ये वही बातें हैं जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का हिडन एजेंडा है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है, इसका भी मैं प्रूफ देता हूँ। अभी जो इंडियन से करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारे के दर्शन करने गए हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुत से एंटी इंडियन पोस्टर बैनर देखे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि करतारपुर गुरुद्वारे के पास ये बैनर लगा हुआ है। इस बैनर में लिखा है कि 1971 की जंग में इंडियन एयर फोर्सेस यहाँ पे बॉम्ब गिरा के इस गुरुद्वारे को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर वाहिगुरु और ऑलमाइटी अल्लाह की वजह से यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैला के इंडियन एयर फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बैनर में सिख के साथ साथ अल्लाह का भी नाम लिया गया है। अगर पाकिस्तान को लिखना ही था तो सिर्फ वाहेगुरु लिखता। और ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा है, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर ऐसा हुआ होता तो पाकिस्तान इस मुद्दे को बहुत पहले ही उठा चुका होता। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने करतारपुर की ओपनिंग वीडियो लॉन्च करी है। उस वीडियो में 3 खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और भिंडरांवाला को हीरो बनाया गया है और खालिस्तान 2020 का एक मैसेज दे रहे हैं। वैसे ये तीनों खालिस्तानी टेररिस्ट को 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा मारा गया था। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर पाकिस्तान ये पीसफुल जैसा दिखा रहा है दुनिया भर में रह रहे सिखों को करतारपुर कॉरिडोर के जरिए, तो इस पीसफुल जैसा के दौरान वो इंडियन एयर फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहा है और खालिस्तान सेपरेटिस्ट को सपोर्ट क्यों कर रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए ऑफिशियल वीडियो में। तो क्वेश्चन तो रेज होता है यहाँ पे कि पाकिस्तान का हिडन एजेंडा क्या है। क्या वो खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करना चाहता है? अगर पाकिस्तान अपनी सो कॉल्ड इंसानियत दिखा रहा है और सिखों के लिए इतना ही उसे प्यार आ रहा है, तो करतारपुर कॉरिडोर 1999 में ही खोल सकता था। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लाहौर बस यात्रा की थी, तब पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव दिया था पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उसने कारगिल जंग करने की सोची। चलो उसके 10 साल बाद पाकिस्तान ये करतारपुर कॉरिडोर खोलता, 15 साल बाद खोलता, अभी क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ही इतनी तेजी से काम पूरा क्यों किया? ये बात तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कही है कि समय से पहले ये काम करके दिखाया है, जबकि पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जहां पे प्रोजेक्ट जल्दी होते हैं। सीपेक तो अभी तक चल रहा है, अटक गया है, और सीपेक प्रोजेक्ट थोड़ी रहा है, वो तो चाइना ने कर्ज दिया है, माफ करना। अच्छा, बात आती है सिखों की प्यार की। तो 1947 में बंटवारे के बाद से कितने सिख बचे हैं पाकिस्तान में, जरा उसके बारे में भी बताएं। शायद इसी साल सितंबर में सिख लड़की जगजीत कौर को किडनैप करके जबरी धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ जबरी निकाह किया पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के ने। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस समय कहाँ पे थी? इस समय कितने सिख हैं पाकिस्तान में जो कि बड़ी पोस्ट में है? अब ये लोग बोलेंगे कि इंडिया को देखो, तो बच्चों हमारे यहाँ 10 साल तक एक सिख ही प्रधानमंत्री था, और इस समय आर्मी कमांडर में से एक सिख भी है, रणबीर सिंह जी। पाकिस्तान की करतारपुर में प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात पे अभी तक भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सिर्फ पाकिस्तान से कहा है कि ये सब पोस्टर बैनर वीडियो को हटाए और प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करे, और अगर पाकिस्तान ने ये नहीं किया तो हो सकता है कि आगे भारत सरकार इस पे सख्त कदम उठाए। मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट अभी इस सिचुएशन पे थोड़ा पेशेंटली वर्क कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इस पे किसी भी तरीके से राजनीति हो, क्योंकि हमारे देश में धर्म को मुद्दा बना के हमेशा से राजनीति होती है, और इस बार तो पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड है। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से भारत को खतरा तो है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट करतारपुर कॉरिडोर को अपनी तरफ से बंद करवाती है तो पाकिस्तान इस बात का फायदा उठाएगा और वो सिखों को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि हम तो चाह रहे हैं पर भारत नहीं चाह रहा है। एग्जाम्पल ही देख लो, पाकिस्तान का हीरो सिद्धू कितना बेचैन था वापस से पाकिस्तान जाने के लिए। उसने यहां तक बोल दिया कि अगर मेरे लेटर का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने नहीं दिया तो भी मैं पाकिस्तान जाऊंगा। बस इन्हीं लोगों के माइंडसेट के कारण हमेशा से भारत को प्रॉब्लम हुई है। अच्छा हमारा वो सिद्धू किधर है? लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए और ये अच्छी बात है, पर इतनी अंधी आस्था भी नहीं होनी चाहिए कि उसका कोई फायदा उठाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बाद में हैं, उससे पहले हम भारतीय हैं, और मुझे लगता है कि सभी धर्मों के गुरु एकता की बात करते होंगे, ना कि बांटने की। तो किसी के भी बहकावे में ना आए।
तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी दूसरी वीडियोस को भी चेक करना ना भूलिए, और अगर मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आए तो तब जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।